इंदौर के तेजाजी नगर क्षेत्र में चोरी के नाकाम प्रयास कर रहे आरोपियों की करतूत सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जहां पुलिस ने कैमरे में कैद हुए शख्स के हुलिये के आधार पर आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक बैंक भवन के पीछे से दीवार तोड़कर एक शख्स चोरी करने के उद्देश्य से बैंक में दाखिल हुआ। हालांकि घटना के बाद पुलिस को बैंक से कोई भी कीमती सामान या नकदी चोरी होना नहीं पाया गया है, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में कैद आरोपी के हुलिया के आधार पर चोर की खोजबीन शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 से 3 अज्ञात चोरों ने बैंक के चौकीदार को रस्सी से बांधा और वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। वहीं मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। एक तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया में एक प्रयास हुआ है चोरी का, जिसमें पीछे की दीवार तोड़ के और कोशिश करी है घुसने की, इवन अंदर घुसा भी है एक व्यक्ति, और उसका लेकिन कोई भी चोरी या कोई भी कब्जनी करने में सफल नहीं हुआ है। सिर्फ उसने मतलब हाउस ब्रेकिंग करी है, दीवार ब्रेक करके अंदर घुसा है और उसके बाद जो है वो वापस चला गया है। इसमें जो हुलिया है और जो और चीज़ें आई हैं कुछ, उसके हमें फुटेज भी मिले हैं, उसके आधार पर हम लोग तैयारी पूरी उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और कुछ और जो एक्टिव गैंग्स हैं जिनके मूवमेंट की संभावना है, अन्य जो हमारे टेक्निकल आधार होते हैं उनके आधार पे हम विवेचना कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, लगता है कि सीसीटीवी फुटेज में कितने आरोपी? एक आरोपी चिन्हित हो रहा है, एक आरोपी ही उसमें दिखाई दे रहा है और वही एंटर किया है, और उसने एक राउंड 5 मिनट करीब एंट्री रही है उसके अंदर, और डिटेल हम लोग उसका लेके और अन्य जो बाहर के रोड के फुटेज हैं उनसे हम लोग और मिलान करने का और आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं।